अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। देखिए, एक लौकी था, मीडियम साइज का लौकी है। मैंने इसको बीच से दो टुकड़े कर लिए और इसको मैंने अच्छी तरह से छील कर और धो लिया है। अब मैं इसको कद्दूकस करूंगी। तो मैंने इसको इस तरह से लंबा लंबा कद्दूकस कर लेना है। देखिए, इसको कद्दूकस करने के टाइम ही इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये काला नहीं पड़े। ऐसे ये हो जाता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से कद्दूकस करना। ये देखिए, लंबे लंबे रेशे निकलेंगे इसके, बहुत प्यारा लग रहा है। ये पूरा हो जाता है फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से पानी निकाल देना है। इसको दबा दबा कर पूरा पानी निकालना है। पानी निकालने के बाद देखिए, ये कुछ इस तरह हो गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसमें मैं मिलाऊंगी आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और नमक बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, क्योंकि इसको जब मैंने कद्दूकस किया था उसमें नमक मिलाकर रखा था पानी निकालने के लिए, तो नमक अभी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर बारीक काट कर, हरी धनिया बारीक, हरी मिर्च, टेस्ट के हिसाब से अपनी मिर्च डालिए आप। मैं थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा हरी मिर्च मैंने डाला है। सोख करके रखा था मैंने थोड़ी सी मूंग की दाल, एक चम्मच बिल्कुल थोड़ी सी डालना है ये, और बेसन यानी चने का आटा दो चम्मच, ताकि इसको अच्छा टेक्सचर मिल सके और ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए कितना अच्छा सा ये बन गया है मिक्सचर। इसमें थोड़ा सा दही डालना होता है, लेकिन अभी मेरे पास दही नहीं है तो मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू। थोड़ा सा नींबू डालेंगे तो खट्टा खट्टा बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें इसको शैलो फ्राई करूंगी, तो इस तरह छोटा छोटा डो बनाकर डालूंगी। ये राउंड बोलिए आप, गोला बोलिए, कुछ बोलिए, कोफ्ता मोस्टली गोल गोल होता है, इसलिए मैं इसको गोल गोली बनाकर फ्राई कर दूंगी। फिर ये रेडी हो जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको स्लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। देखिए हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। इसमें कुछ अभी हो रहे हैं फ्राई होना और कुछ बिल्कुल रेडी हो गए, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो देखिए तो बिल्कुल तैयार है। देखिए कोफ्ते कितने मजेदार दिख रहे हैं, कितने ही ब्राउन कलर के, बहुत टेस्टी है। और देखिए गरम गरम बहुत टेस्टी लग रहा है, खाने में बहुत ही मजेदार होगा। अभी मैंने खाया नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इसी पैन में मैं इसका ग्रेवी रेडी करूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं ये ग्रेवी बनाना। तो ये वही वाला तेल है जिसे मैंने इसको फ्राई किया था कोफ्ते को, उसी तेल में मैं ग्रेवी बनाने जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ प्याज, में डाल के आधा चम्मच हल्दी, प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा जीरा डालना है।
इसमें थोड़ा सा जीरा मैं पहले डालना भूल गई थी, तो मैं अभी इसमें जीरा डाल दे रही हूँ थोड़ा सा। जीरा पक जाएगा साथ ही साथ। धनिया पाउडर, ये चम्मच से थोड़ी सी बिल्कुल क्वार्टर चम्मच डाल देती हूँ। और मैंने और देखिए टमाटर पीस के डाल रखा है, वो भी मैं डाल रही हूँ इसमें। ग्रेवी को भून जाने देते, फिर आपको दिखाती हूँ। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2-3 कड़ी पत्ता, थोड़ी सी मैंने धनिया और काट के रखी वो भी मैं साथ में डाल दे रही हूँ मसाला भूनते हुए। इसमें नमक मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ, तो थोड़ा सा टेस्ट के लिए अब नमक भी डालना है। कोफ्ते में नमक मैंने नहीं डाला था, टेस्ट के हिसाब से नमक मैं बिल्कुल थोड़ा सा डाल दी। देती है 5 चम्मच। मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए और नमक भी। मसाला देखिए पूरा भून रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छी खुशबू भी आ रही है और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसमें डालूंगी दही, एक ये चम्मच से मैं दही डाल रही हूँ। मसाला काफी अच्छी तरह से भून चुका है, अब मैं इसमें जो बनाए हुए कोफ्ते डाल दी थी, देखिए मैंने कोफ्ते बनाए थे पहले। यम्मी दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो बस थोड़ा सा चलाना है 2-3 हाथ और इसमें थोड़ा सा पानी डालना है ग्रेवी के लिए, क्योंकि ये काफी स्वीट ग्रेवी है, तो हल्का सा पानी डालूंगी। थोड़ा सा ये बॉइल हो जाए बस हमारा ये कोफ्ता बनकर रेडी है, फिर मैं आपको गरम गरम सर्व करती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा ढककर बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा लौकी का कोफ्ता बनकर तैयार हो गया है, अभी मैं आपको गर्मा गर्म सर्व करती हूँ। ये देखिए हमारा लौकी का कोफ्ता बनकर तैयार हो गया है, इतना यमी दिख रहा है और माशाल्लाह खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। इसके साथ मैंने रोटी सर्व किया है, आप राइस के साथ भी खा सकते हैं और आप भी बनाकर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में जरूर जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।